फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की चर्चा इस बात को लेकर अक्सर होती रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर उसे बढ़ाकर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन उसी FATF ने अपनी एक रिपोर्ट में गांधी वाड्रा परिवार के घोटाले को केस स्टडी के रूप में पेश किया। जाहिर है कि FATF की रिपोर्ट देश को शर्मसार करने वाली है। FATF की उस रिपोर्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि कैसे एक मंत्री ने राणा कपूर को पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदने को मजबूर किया। गांधी परिवार ने पेंटिंग से हुई कमाई को सोनिया गांधी के इलाज पर खर्च कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे पहले राणा कपूर ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पेंटिंग खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया था। अनुराग ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया कि यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने सवाल पूछा कि कितने पद्म अवार्ड और पेंटिंग्स बेचकर पैसे जुटाए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा प्रियंका गांधी से सवाल है कि किसने राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया। मिस्टर आर कौन है जो इसमें शामिल थे? क्या वह पेंटिंग पद्म भूषण के लिए थी? कितने पद्म अवार्ड में पेंटिंग बेची गई और पैसे जुटाए गए? अनुराग ठाकुर ने विदेशी संस्था FATF द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटीक्विटी मार्केट नाम की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब एक विदेशी एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया कि कैसे UPA की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक देश की मीडिया और लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चर्चा को केवल इस बात के लिए करते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या उससे भी आगे की लिस्ट में जाएगा। अब उसी FATF की फिर चर्चा है भारत के संदर्भ में। एक परिवार ने पूरी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। FATF की एक केस स्टडी में देश की नहीं बल्कि देश के एक रसूखदार परिवार की कारगुजारियां शामिल हुई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि गांधी परिवार के करप्शन की कहानी केस स्टडी बनकर पूरी दुनिया को बताई जा रही है, वो भी ऐसी संस्था द्वारा जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करती है। ठाकुर ने प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए उनसे सीधा सवाल पूछा और कहा, मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये दबाव बनाया गया था, और अगर बनाया गया तो आखिर क्यों उस पेंटिंग से आए 2 करोड़ रुपए किस पर खर्च हुए? अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, क्या पैसे के बदले पद्म भूषण, क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है? और कितने राष्ट्रीय सम्मान आपने पैसे के बदले बेचे हैं? भारत को बेचने का आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ा होगा। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया आपके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछ रही है। प्रियंका जी को देश को जवाब देना चाहिए कि और ऐसे कितने भ्रष्टाचार के मॉडल कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस से जुड़े अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में भी गांधी परिवार के लिए यूं तो शर्मिंदगी वाला मामला बनता है, लेकिन वो माफी भी नहीं मांगेंगे। वो मुकर जाएंगे ये कहकर कि हमारा नाम इस रिपोर्ट में नहीं है। तो सच क्या है? प्रियंका गांधी को आकर देश के सामने इन सवालों के जवाब देने चाहिए। नेशनल हेराल्ड हो या वाड्रा जमीन घोटाला, एक दिन उनके सारे घोटाले उजागर होंगे और भारतीय अदालतें उनकी करतूतों का खुलासा कर सजा सुनाएंगी। दरअसल एक पेंटिंग की नीलामी पर बीजेपी प्रियंका को घेर रही है। ये पेंटिंग यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने प्रियंका से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। पेंटिंग मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाई थी। ED के सूत्रों के मुताबिक इस पेंटिंग को राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।